हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्न, जो कि आज द्वितीय पारी में प्रश्न पूछे गए हैं। आज तारीख है 7 और यहाँ पे पूछे गए प्रश्नों का यहाँ पे अपन एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी मालूम हो चले कि किस तरह के प्रश्न आज एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी कौन सी थी। ऋग्वेद काल में दो तरह की सभा और समितियां जो होती थी उनके बारे में पूछा गया है कि कौन सी जनसभा थी जो न्यायिक कार्य जुडिशल वर्क है जो कि कार्य करती थी, यहाँ पे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा समिति है, जो कि इसका सही आंसर है समिति एक जनसभा थी ऋग्वेद काल में जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो समिति यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सुत विनय और अभिधम, इनमें से यमक बुद्ध पिटक किससे संबंधित हैं। तो तीन तरह के यहाँ पे जो सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक देखे रखे हैं, इनमें से कौन सा यमक बुद्ध से संबंधित है, तो यह पूछक है। तो यमक है जो कि किससे संबंधित है, तो यह अभिधम पिटक से संबंधित है। किससे हैं, अभिधम पिटक से संबंधित है यमक, ठीक है। तो यहाँ पे अभिधम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या प्रश्न है, नेक्स्ट है चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया था, तो वो कौन था, यहाँ पे पूछक है। तो चीनी तीर्थयात्री जो 6वीं शताब्दी में भारत यात्रा पर आया था वो कौन था, तो वो था सुंग यून, ठीक है। तो सुंग यून यहाँ पे आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट है चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था। तो जो पुलकेशिन है उन्होंने हर्ष को हरा दिया था, ये आपको पता होगा, नहीं है तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। हर्ष को एकमात्र शासक है जिसने हराया था, जो कि था पुलकेशिन द्वितीय। तो इसने है जो हर्ष पर विजय कब प्राप्त की थी, तो वो 1612 ईस्वी है जब उसने यहाँ पे हर्ष को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट है भारतीय महासागरों में चुंबकीय दिशा सूचक के प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी। तो भारतीय महासागरों में जो चुंबकीय दिशा सूचक होते हैं यहाँ पे दिशा ज्ञात करने के लिए, तो उसके प्रयोग की जो प्रारंभिक सूचना है वो किसके द्वारा दी गई थी, तो वो दी गई थी सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी के द्वारा। तो सदरुद्दीन मोहम्मद यहाँ पे आपको नाम ध्यान रखना है जिनके द्वारा सर्वप्रथम इसकी सूचना है जो कि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कार की औसत गति एक बस की औसत गति का 1/4/5 गुना है। तो एक ट्रैक्टर 575 किलोमीटर की दूरी है जो कि 23 घंटे में तय करता है। यदि बस की गति ट्रैक्टर की गति से दुगुनी हो तो कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो निकल के आएगा यहाँ पे 360 किलोमीटर है, जो कि सही आंसर निकल के आएगा। इसकी जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो इसको एक बार खुद से मिलाएगा तो आपको एकदम इससे क्लियर हो जाएगा और यह प्रश्नावली आपको मिला के जानी है। नेक्स्ट है WWW का पूर्ण रूप क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है WWW की, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब है जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक में दर्शा देते हैं। तो प्रथम वास्तविक मेहराब की यहाँ पे बात की गई है, तो यह जो है कुवतुल इस्लाम मुस्लिम जो मस्जिद है उसके अंदर है जो कि लगाया गया है। नेक्स्ट क्या प्रश्न है, नेक्स्ट है अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था। तो अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था, तो नक्शबंदी है जो कि अति कट्टरपंथी था। तो नक्शबंदी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्या प्रश्न पूछा गया, नेक्स्ट पूछा गया शुद्ध चांदी का रुपया जो सिक्का था उसका आविष्कार किसने किया था। जो चांदी के शुद्ध रुपये हैं, रुपये नाम से चांदी के सिक्के किसने चलाए थे, चांदी का रुपया नमक सिक्का है जो कि किसने चलाया था, तो यह चलाया था शेर शाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा, तो शेर शाह सूरी के द्वारा है जो कि यह सिक्के चलाए गए थे चांदी के रुपया नमक सिक्का। नेक्स्ट क्या प्रश्न है, नेक्स्ट है कि बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था। बगहात रियासत का, तो इसका जो रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विलय हुआ था वो हुआ था सन 1850 के अंदर। तो 1850 है जो कि यहाँ पे आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनमें से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था।
तो यानी कि ये जो तीन आपको देखे रखा है ये तो एक तरह के ऑप्शन है, और इनमें से किसने गांधी जी का जो नमक आंदोलन सत्याग्रह था उसके अंदर किसने भाग लिया था, तो सरोजनी नायडू के द्वारा इसमें भाग लिया गया था, तो सरोजनी नायडू यहाँ पे सही आंसर था। नेक्स्ट क्या प्रश्न पूछा गया था, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था जब एक खिलौने की मूल कीमत में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो एक दर्जन खिलौनों की कीमत 300 थी अगर, तो एक खिलौनों की मूल कीमत क्या थी। तो यहाँ पे क्या गया है, एक दर्जन का मतलब क्या होता है कि 12 के जो खिलौने हैं उनकी कीमत 300 है, तो अगर एक खिलौने की मूल कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे अगर ऑल ओवर भी निकाले तो मूल कीमत है जो कि इसका 20 है, जो कि एक खिलौने की मूल कीमत थी उसके बाद उनकी तो जो है वो 25% वृद्धि कर दी गई थी, ठीक है, तो 20 यहाँ पे सही आंसर था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक खास मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में ₹2,000 का साधारण ब्याज उपजित हुआ, उसी मूलधन पर उसी दर से 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपजित होगा। तो यहाँ पे क्या है कि क्या क्या देखे रखा है आपको कि वार्षिक दर से 5 वर्ष में इतना रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको मूलधन निकालना पड़ेगा, तो मूलधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको ₹2,000 ब्याज देके रखा है और उसके साथ आपको 4% दर और 5 साल देके रखा है, 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, पीछे कितने बचे तो 4 जीरो बच गए, मतलब क्या है कि 10,000 है जो कि मूलधन है, 10,000 मूलधन पर 4% वार्षिक दर और 5 वर्ष में उसी दर और 2 वर्ष में, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 का 4% की दर से 2 साल का आपको क्या निकालना पड़ेगा, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो चक्रवर्ती ब्याज निकल गएगा 816 है जो कि निकल कर जाए, तो इसे आप थ्री मेथड से यहाँ से निकाल सकते हैं, पहले साल 100 100 इस तरह से 400 400 आ जाएगा, और उसके बाद है जो कि 400 पे फिर 4% निकालेंगे तो 16 आ जाएगा, तो ₹816 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लेन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो लेन है जो कि क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसके साथ यह भी पूछा जा सकता है अगर यह प्रश्न पूछा गया तो वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि वैन की फुल फॉर्म होती है, इसके अलावा मैन की भी फुल फॉर्म याद रखनी है, मैन की होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो मेट्रोपॉलिटन है एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, ये तीनों आपको ध्यान रखना, प्रश्न यहाँ पे अगर एक पूछा गया तो दूसरा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार है जो कि की गई थी, तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा जो कि सिकंदर हयात खां के द्वारा यहाँ पे तैयार की गई थी, तो यह प्रश्न है जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट है आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो आईबीएम की फुल फॉर्म पूछी गई, इनका नाम फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इनके द्वारा है जो कि कंप्यूटर है जो कि तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या प्रश्न है, नेक्स्ट है एक द्विअंकीय संख्या और इस द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या के बीच का अंतर अगर 18 है तो इन संख्या के दोनों अंकों का योग अगर 12 है तो इस द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल कितना होगा, तो इसका जो 35 है सही आंसर के निकल गएगा, कहा गया है कि दो संख्या है माना कि ए और बी है, दो अंक हैं, इन द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों को अगर परस्पर बदलना जा रहा है तो इनके जो बीच का अंतर है वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, दोनों संख्या के अंकों का योग बी प्लस ए है जो कि कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पे 12 दे के रखा है, तो यहाँ पे इस द्विअंकीय संख्या के दोनों को गुणनफल ज्ञात करना, तो सबसे पहले आपको ए और बी का मान निकालना पड़ेगा, जो भी मान निकल के आएगा उनको आपस में गुणा कर देंगे, 35 यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, अंकों का योग 12 है तो 7 और 5 मिलाने पर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वीणा की मासिक आय 34 किलोग्राम नट्स की कीमत के समान है, 10 किलोग्राम नट्स की कीमत 20 है तो 34 की कितनी हो जाएगी, तो 34 की यहाँ पे निकाल लेंगे, अगर 10 की 20 है तो 1 की 2 निकल गए तो 34 की कितनी आ जाएगी, 34 किलोग्राम की, 34 से दुगुना आ जाएगा, यहाँ पे क्या गया है 10 किलोग्राम नट्स की कीमत 20 किलोग्राम सेब की कीमत के समान है और 12 किलोग्राम सेब की कीमत 1500 दे के रखी है, अच्छा तो 12 किलोग्राम सेब की कीमत है जो कि 1500 1500 है, तो 1500 में 12 का भाग दे देंगे, जितनी भी आएगी 12 किलोग्राम तो फिर 1 की आएगी, फिर 1 की जो 20 के साथ गुणा करेंगे वो 10 के बराबर होगी, और जो 10 की जो कीमत निकल के आएगी आपको 34 की ज्ञात करनी पड़ेगी, तो अगर 34 की जो ज्ञात हो जाएगी तो वीणा की जो वार्षिक वेतन है वो भी आ जाएगा 1,02,000 रुपया, तो
तो यह जो प्रश्न है दोस्तों आज एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा एक दो प्रश्न हैं जो कि मेरे पास अभी आए हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कौन से प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। तो प्रश्न पूछा गया था कि त्वचा कैंसर के इलाज में किस लेजर का उपयोग किया जाता है। तो त्वचा कैंसर होता है उसमें कौन सी लेजर का उपयोग किया जाता है, तो CO2 लेजर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है त्वचा कैंसर के लिए। नेक्स्ट पूछा गया था राष्ट्रीय बीमा कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। राष्ट्रीय बीमा कंपनी का हेडक्वार्टर है जो कि पूछा गया था, और यह कहाँ पर है, तो यह कोलकाता के अंदर स्थित है, तो कोलकाता यहाँ पे सही आंसर था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।